हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं समीर जी के स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आवा कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स, आवा कार्ड क्या है और किस तरह से हमको अप्लाई करना है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, आवा कार्ड क्या है? ये एक हेल्थ आईडी कार्ड है जो भारत सरकार की एक स्कीम द्वारा लागू किया गया है। आवा कार्ड की फ्रेंड्स फुल फॉर्म क्या है? इस आवा कार्ड की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, जो ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आपको 14 अंक का आवा नंबर मिलता है। जब फ्रेंड्स आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स 14 अंक का आपको इसमें एक परमानेंट अकाउंट नंबर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आधार कार्ड में 12 अंक का अकाउंट नंबर होता है, उसमें फ्रेंड्स आवा कार्ड में 14 अंक का अकाउंट नंबर आपको देखने के लिए मिलता है। इस अकाउंट नंबर का क्या क्या यूज़ होता है? जैसे कि मान लो आपने किसी भी अस्पताल से इलाज कराया, जिसमें मरीज के इलाज से संबंधित सारी जानकारी को अस्पताल में डिजिटल सेव कर लिया जाता है। जैसे कि आपने कोई सा भी ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराने के बाद में फ्रेंड्स जो आपकी जो रिपोर्ट आती है वो फ्रेंड्स आपके जो अकाउंट नंबर की यानी कि जो हेल्थ आईडी कार्ड, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जी अकाउंट नंबर है इसका, उसमें हेल्थ आईडी कार्ड इस नंबर पे सेव कर लिया जाता है। और फ्रेंड्स ये हेल्थ आईडी कार्ड आपको किस तरह से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और फ्रेंड्स इसमें लिखेंगे आवा कार्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन ना तो फिर या फिर अप्लाई लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखने के बाद में जो फर्स्ट नंबर का जो लिंक आएगी आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपना आवा कार्ड बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आवा कार्ड आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी पर ज़रूर क्लिक कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।